जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आई ये अंदर आई पूर्वी कपड़े चेंज कर लो, मैं दवाई लेकर आई। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे अभी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बस इंक्यूबेटर में हीट की वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैंने उनसे कहा है कि कुछ एडिशनल टेस्ट करने के लिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाउ। सर आपको डॉक्टर बुला रहे। ओके मैं आता हूँ सर। ऑनर कहाँ हैं आप? कब से आपको फोन कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि बच्ची कैसी है? वो ठीक है, मतलब अब उसकी हेल्थ कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा? उसको इंक्यूबेटर से बाहर कब निकाल रहे हैं? हेलो ऑनर, पूर्वी मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। देखो प्लीज़ तुम बच्ची की चिंता मत करो, यहाँ पे बच्ची बिल्कुल ठीक है और हम उसका ख्याल रख रहे हैं। तुम प्लीज़ इतनी टेंशन मत लो। बच्ची का ध्यान रखना और ओनर को कहना कि बच्चे टाइम टाइम से उसके बारे में बताते रहे। ये लीजिए गर्मा गर्म कांदे पोहे। अरे मम्मी जी इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, आप इस घर के जवाई बापू हैं और शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो इतना हक तो बनता ही है ना। और इतनी खाती सारी तो बनती है जीजू। वैसे आज ना आपने सरप्राइज विजिट किया, नहीं तो इससे ज्यादा चीजें होती। हाँ अरे तू खड़ी क्या हो गई, जाके वो कांदी भजी लेकर आना। अरे नहीं 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 मम्मी जी, वो डीप फ्राइड नहीं, डाइटिंग तो ना ये पोहे में ले ले। वैसे रुचि सरप्राइज विजिट देने का एक्चुअल प्लान पुन्नी का, ये प्लान एग्जीक्यूट करने में मैंने थोड़ी सी मदद की है ना पुन्नी। विनोद हाय, जरा यहां से टेबल हटाना है बेटा। आई आई मैं एक मिनट आता हूँ। आज ही कब आई पुणे से? आप अभी थोड़ी देर पहले ही आई। अगर रुचि आज ही को चाय देना जाकर,
वैसे मम्मी जी मैंने आपके लिए कुछ लाया हूं, आई होप आपको पसंद आए। मेरे लिए? सिर्फ आपके लिए। अब इसमें क्या है? अब मम्मी जी आप खुद ही देख लीजिए ना। आई बस एक छोटा सा गिफ्ट। हार को दे, कीमत मत दे। हाँ, और देखिए शादी के बाद मैं पहली बार आपके घर पे आया, तो ये गिफ्ट बनता है। देखिए आप प्लीज मना मत कीजिए, वरना आप मुझे बुरा लगता है, और पुन्नी को भी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, आपको बुरा लगेगा, बस इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये इतना महंगा है ना, मैं इसे अभी अलमारी में रखकर आती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपना आज के सिग्नेचर्स ले आओ, जाओ जाओ, कम ऑन। अगर मुन्नी ये बैठ मेरे पास, एक बात कहूं तुझसे, मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे ऐसे जवाई बापू मिले, वरना तो आजकल के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, और मेरे जवाई बापू अपनी पत्नी की आई का ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, पप्पा की कृपा है बस। आई आज ही काफी थकी हुई होंगी ना, इतना लंबा सफर करके आई है, और फिर इस उम्र में इतनी भागदौड़। उनका तो मुझे नहीं पता, अपना पता है मुझे, इस घर में काम कर करके ना मैं बहुत थक जाती हूँ। क्यों, इतना काम होता है तुझे? और नहीं तो क्या, अब देखना पूर्वी पुणे से यहाँ पर आ गई, पता है मुझे कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसके दुखों का बोझ मैं अपने सर के ऊपर डूं। बहुत कमजोर हो गई है वो, डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर के सारे काम अब मैं करूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पूर्वी वापस कोलकाता क्यों नहीं चली जाती, यहाँ करेगी क्या? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगा था ऑनी रोड पूर्वी आकर बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो लोग यहाँ से जाए ना तो मैं चैन की सांस लूं। आई तेरे अपने घर में क्या हालत हो गई, मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। बेटा बस तू ही है, तू ही है जो मुझे समझती है, वरना इस घर में कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आई आई तो बस पूर्वी के साथ ही बिजी रहती है, पूर्वी है पूर्वी वो फलाना ढिमाका, और अब तो वो बीमार है, तो बस हो गया उद्धार मंचों का। आई मतलब आज ही आप बिजी रहेगी ना 24 घंटे पूर्वी के साथ? और नहीं तो क्या, तो गनीमत कि मेरी रुचि यहाँ पर है, उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, मैं तो इस घर में नौकरानी के अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। क्या ये कोई बहाना हुआ काम नहीं करने का? सिर्फ आज के सिग्नेचर से तो चाहिए? देखो पुण्य, मुझे उनके सिग्नेचर्स चाहिए एनी हाउ, अगर उसके लिए तुम्हें यहाँ रात भर रुकना पड़े तो रुको, आई डोंट केयर। ये आप जानते हैं ना पूर्वी की हालत कितनी खराब है, आज ही 24 घंटे उसके साथ ही रहेंगी। क्यों, उन्हें रहना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर आजी को क्या जरूरत है? तो मैं आपसे कह रही हूँ ऑनर यहाँ आया ही नहीं, वो अभी भी पूना में ही है। क्यों क्यों नहीं आया? उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो उसे यहाँ अकेला छोड़ के कर क्या रहा है वहाँ पे? देखिए वो क्यों नहीं आया और पूना में क्यों है ये सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फिलहाल मैं आपका काम बस। शट अप, एक काम नहीं कर सकते तुम, मैं
अर्जेंट फोन करके आता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।